सुजानगढ़ के घंटाघर के पास स्थित नगर कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक अध्यक्ष सविता राठी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार को सभापति नीलोफर गौरी व अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं ने झंडारोहण किया। उसके बाद आयोजित संगोष्ठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दर्द के साथ साथ गुटबाजी और 2023 में विधायक के चुनाव में हारने का डर भी खुलकर सामने आ गया। दरअसल कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के शहर में नेता कहे जाने वाले लोग एकत्रित हुए। उसके बाद उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला प्रवक्ता मोहम्मद इदरीस गोरी ने शहर भर में करवाए जा रहे विकास कार्यों को गिनवाया। उन्होंने पट्टे बनाने सहित शहर में होने वाले विकास कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में रामन्यास गुज्जर, मास्टर दाऊद काजी, पार्षद ओम प्रकाश ऑपरेटर आदि लोगों ने विचार प्रकट किए। पार्षद जीते जाकर ने कहा कि हमारा सोशल मीडिया कमजोर है, हमें इसको और ज्यादा मजबूत करना होगा। मनोज गुलेरिया ने कहा कि कांग्रेस ने बहुदलीय प्रणाली को देश में लागू किया जिसके चलते लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन आज जो देश में हो रहा है वो अलोकतांत्रिक है। पूर्व उपसभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कैसे मजबूत हो इस बात की चिंता छोड़िए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर पार्षदों के साथ भेदभाव हो रहा है। कुलदीप ने आगे कहा कि जब कार्यकर्ताओं और पार्षदों के नाली, क्रॉस, सड़क जैसे काम नहीं हो रहे हैं तो जनता और विपक्ष का हमारे कार्यकर्ता सामना कैसे कर पाएंगे। कुलदीप यहीं नहीं रुके और उन्होंने कहा कि जब दिवंगत मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल मौजूद थे तो उनके लिए कार्यकर्ता सिर तक फुड़वा लेते थे, लेकिन आज अचानक 4 महीने में ऐसा क्या हो गया है कि शहर में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हो गई है, ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया। कुलदीप ने कहा कि एक पार्षद के पीछे कम से कम 20 से 30 कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन पार्षद उनको संतुष्ट करते हुए जनता का काम तो करे, लेकिन नगर परिषद में पार्षदों के साथ भेदभाव होता है। उन्होंने कहा कि मैं खुली बात कर रहा हूं कि सभापति की सीट पर चाहे कोई भी हो, लेकिन पार्षदों की अनदेखी क्यों हो रही। कुलदीप ने आगे कहा कि संगठन सत्ता से बड़ा होता है, क्योंकि संगठन जनता से वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाता है, लेकिन एक भी दिन 2 घंटे के लिए कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष सविता जी राठी और नगर कांग्रेस के अध्यक्ष रमावतार जी मंगलारा, आपने नगर परिषद में गरीब की आवाज़ सुनने के लिए टेबल लगाई है क्या? क्यों गरीब जनता पट्टों के लिए रोज दर दर की ठोकर खा रही है? उन्होंने कहा कि आपने जनता का दर्द सुना है क्या? उन्होंने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों को रोज नगर परिषद में करीब 2 घंटे तक आने वाले फरियादियों के दर्द सुनने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो 2023 में हम किस आधार पर जनता से वोट मांगने जाएंगे। वहीं इसके बाद देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विद्याधर बेनेवाल ने भी इस समीक्षा बैठक में साफ साफ कहा कि मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन जब शहर में बस स्टैंड नुक्कड़ चौराहे पर कांग्रेस की शहर में स्थिति के बारे में सुनते हैं तो काफ़ी पीड़ा होती है। बेनेवाल ने कहा कि या तो हम अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों को कार्यकर्ता जिम्मेदारी दे कि आप जो करोगे वो स्वीकार होगा, या फिर कार्यकर्ता खुद तय करे कि वो मिलकर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं गांव का आदमी हूं, जिसके कारण नगर परिषद पर ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कांग्रेस का आदमी हूं और मुझे दुख है कि आज शहर में हमारी सरकार है, हम सत्ता में हैं, लेकिन मैं आगाह कर रहा हूं कि 2 साल बाद चुनाव है और मुझे कहीं भी जगह नज़र नहीं आती। उन्होंने कहा कि आज हमें कांग्रेस के प्रति और ज़्यादा निष्ठावान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज शहर में जो स्थिति है उससे हमारा मान बढ़ नहीं रहा है बल्कि बेइज्जती हो रही है। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ व बिदासर की पंचायत समिति हमारे पास से चली गई, इसलिए वहाँ हमारी पंचायती नहीं चलती। शहर में हमारी नगर परिषद है तो कार्यकर्ताओं के पास सामान है, लेकिन हमें अब एकजुट होना होगा। वहीं भाषण समाप्त करते करते विद्याधर बेनेवाल ने कहा कि मुझे दर्द हुआ, इसलिए मैंने परिवार के अंदर यह बात रखी है। मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि वो वीडियो डिलीट कर दे, क्योंकि आप हमारे भाई हैं। इसके बाद पार्षद प्रतिनिधि दिनेश पिपुलना ने कहा कि हम शहर की जनता और शहर के कार्यकर्ताओं को काफ़ी सारा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने नगर परिषद में 40 वार्ड पार्षद जिताकर दिखाए और नगर परिषद में कांग्रेस की सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ के कार्यकर्ताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना काफ़ी आसान है, लेकिन कार्यकर्ता काफ़ी मेहनती हैं। पिपलवा ने आगे कहा कि अगर बिना मतलब नगर परिषद में इंटरफेयर करने वाले कुछ लोगों का दखल बंद कर दिया जावे तो सारी स्थिति सही हो जाएगी। पिपलवा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में किसकी पंचायत समिति बनी है इस बात पर मैं चर्चा नहीं करता। आप भी देखिए किस प्रकार से कांग्रेस की ही बैठक में गुटबाजी खुलकर कांग्रेस के सामने आ गई और नेताओं को 2023 में चुनाव में हार का डर अभी से सताने लगा है। इसके बारे में पूरा वीडियो जरूर देखिए।
सभापति नीलोफर गोरी ने कहा कि 10 माह के कार्यकाल के दौरान शहर में काफी विकास कार्य हुए हैं और आगे भी निरंतर विकास कार्य जारी रहेंगे। गोरी ने कहा कि बीच में आचार संहिता लग गई और कोरोना जैसी महामारी की बाध्यताएं आने के कारण थोड़ा प्रतिकूल असर जरूर पड़ा, लेकिन हम लोग विकास करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गोरी ने कहा कि जहाँ विकास की कमी रही है वहाँ भी समान रूप से विकास के प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर मोहनलाल सुराणा, रामपाल यादव, राजकुमार इंदौरिया, पार्षद मधु बागरेचा, लक्ष्मीपत प्रजापत, लियाकत खां, पार्षद इकबाल खां, आसिफ खान असवाण, विद्या प्रकाश बागरेचा, ओंकार मल, पार्षद एडवोकेट सलीम खां गाजी, कन्हैया लाल माली, अयूब खान नसवान, लालचंद बेदी, नथुराम मेहरडा, जबार क्याल, मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन, सलीम गोरी, इरफान खां आसम खानी, पार्षद आसिफ अली चौहान, बेरा राम प्रजापत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। समापन लड्डू वितरण के साथ हुआ। नफा नुकसान जनता को बुलाने का एक बहाने के माध्यम से अधिवेशन है ताकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर हमारे एक साल में जनता के क्या रुझान आ रहे हैं, जनता के बीच में हम कैसे गए, हमने क्या क्या कार्य किए, इसलिए अधिवेशन ये अधिवेशन रखा गया। और जब देश आजाद हुआ उससे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थिति 70 साल पहले होती तो क्या कांग्रेस 70 साल तक राज करती, ये हमें विचार करना चाहिए। कांग्रेस की दिनों दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती जा रही है, कार्यकर्ताओं के साथ हम कोई भी समस्या का शेयर नहीं करते हैं, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। और जो पदों पर आने के बाद में, जीतने के बाद में जो कार्यकर्ताओं के साथ जो अनदेखी हो रही है वो कांग्रेस का ग्राफ गिरने का सबसे मुख्य कारण है। जाते नहीं है, वोट लेने के बाद में, जीतने के बाद में, पार्षद बनने के बाद में, पार्षद की भी जिम्मेदारी है कि वो 20-30 कार्यकर्ता उसको पार्षद बनाते हैं, तो वो पार्षद उस 20-30 कार्यकर्ताओं को बुलाए, उनकी समस्या का समाधान करे। गरीब आदमी का राशन कार्ड है, छोटा मोटा काम है, नाली क्रॉस है, उसका कम से कम ध्यान तो दे। हम हिंदुस्तान की बातें करते हैं, अपन तो सुजानगढ़ लेवल की बात करेंगे। अब इदरीस भाई जी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, बड़ी बड़ी यो करे, तो मैं इदरीस भाई जी सभापति से निवेदन करना चाहूंगा कि पार्षदों के साथ अनदेखी हो रही है। हम घर में बैठे खुली बात ही करूंगा, पार्षदों के काम नहीं हो रहे हैं, जानबूझ कर ये क्यों हो रहा है, ये आप सीट पे हो तो पार्षदों की तरफ ध्यान दे। आने वाले 1.5 साल में आपने चुनाव में जाना है, लोकसभा का चुनाव भी है, चाहे मैं पार्षद हो, चाहे आप सभापति हो या उप सभापति हो, अन्य कार्यकर्ता हो, ये नहीं कि हम बन के बैठ गए 1.5 साल बाद में, 4 साल बाद अपने को ही जाना है। आपने बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाई, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन वर्तमान में जो काम चल रहे हैं पार्षदों वो तो करो। किसी के नाली नहीं बन रही है, किसी का क्रोध नहीं बन रहा है, किसी के साथ जानबूझ कर द्वेष भावना हो रही है, ऐसा मत करो। कांग्रेस को मजबूत करनी है, कांग्रेस के हम कार्यकर्ता है, हम कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। कांग्रेस अगर इंदिरा जी, राजीव जी, अगर नेहरू जी ऐसा करते हैं तो 70 साल तक देश राज नहीं करता। अपने लोकसभा में क्या स्थिति हुई पिछली बार वो भी हमें विचार करना चाहिए। आने वाले 1.5 साल बाद में हम मोदी जी की खिलाफत करने की बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर हम कमजोर है। अभी मनोज जी ने कहा कि आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं तो उसका आप विरोध करो। कांग्रेस कार्यकर्ता जब विरोध करेगा तब उसका कुछ काम होगा, उसकी सुनाई होगी, उसको तौजा इज्जत मिलेगी, उसका मान सम्मान होगा, तब जाकर कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते थे। मास्टर स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल जी के टाइम हर कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने के लिए, सर फुटाने के लिए तैयार था। आज क्यों नहीं है, उसको आपको विचार करना होगा, अग्रिम पंक्ति के नेताओं को, कि आज 2 साल में यह कैसी स्थिति हो गई। कार्यकर्ता बोलने के लिए तैयार नहीं है, कार्यकर्ता भयभीत है, कौन संभालने वाला है। अगर मैं किसी से लड़ाई लड़ दूं और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो कोई है क्या संभालने वाला, कि बाबूलाल जिला हम 100 कार्यकर्ता जाने के लिए तैयार है। ऐसे कार्यकर्ता वापिस तैयार करने पड़ेंगे, मजबूती चाहे बुरा लगे तो लगे, लेकिन धरातल पर यह स्थिति है। आप सर्वे करा लो, सुजामले सिद्धि की बात कर लो, आज 12,000 वोटों से जो विधायक जी को हमने जिताया था, आज 4 महीने में क्या हो गया, जनता क्यों रुष्ट है, क्या कारण है इसका, ये विचार अधिवेशन के इस कार्यक्रम में करना होगा। और मैं सविता जी और नगर अध्यक्ष जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि संतन पार्टी से सत्ता से ऊपर होता है तो आप नगर परिषद में बैठे, गरीबों के पट्टे क्यों नहीं बन रहे, आप 2-2 घंटे बैठो दोनों, आपकी जिम्मेदारी, आप संतन के पदाधिकारी हो, आपको 2 घंटा हर दिन बैठना चाहिए और पट्टों के बारे में समीक्षा करनी चाहिए, क्यों गरीबों के पट्टे नहीं बन रहे, कारण क्या है, क्यों लोग हर कोई आकर के नेतागिरी क्यों करता है, इस पर भी आपको कुछ करना पड़ेगा। नहीं, हम लोग देखो अगर गरीबों के काम नहीं होंगे, अगर पट्टे नहीं बनेंगे तो हम पार्षद विरोध करेंगे, सीधी सीधी बात है। आप गलत बात करते हैं, पार्टी के खिलाफ अगर बोलते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं होगा तो मैं विरोध करेंगे, अगर सही करोगे तो हम आपके साथ है। यही इतनी बात।
हिंदुस्तान भी छोड़ो, वो उनका काम है। प्रदेश स्तर पर गहलोत जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। गहलोत जी अकेला आदमी राजस्थान में कितना काम कर रहा है। अगर 25% ये उनकी भावनाओं के अनुरूप ही अगर जनता की सेवा करे तो कांग्रेस मजबूत हो सकती है। इन्हीं भावनाओं के बोले ना वो आदमी मान लो खेलो सब पहले तेरी बहुत दूर नहीं, बहुत नजदीक है। मैं गाँव को आदमी वास्ते खाली नगर पालिका ज्यादा बोल नहीं सकूं, लेकिन मैं कांग्रेस को हूँ, कांग्रेस राज में है। इन वास्ते मन भी थोड़ा दर्द, मन व्यक्ति सही बात को दर्द है कि मैं आप लोगों के बीच में बसूं और बात चलेगा मैं भी सुन। ये लोग भी एक दूसरे ने बताओ गांव में स्टैंड पर बाजार में खाली खाई स्थिति की बात करते हैं। और मैं आप लोगों ने आज भी आगा करूँ, दो साल बाद चुनाव हुए लोग देखे दिन शायद मन दिया दीसी को लिखा जैसे स्थिति में थे आज साल रहे हो। या तो मैं लोग 10-20 आदमी ऊपर बैठे मैं आज सब आगे थे थारो सोचो, और या थे लोग से आज चाहो के कोई बड़ो को नहीं कोई छोटो को नहीं मैं करा दिया हुआ है। दोनों में एक बात तो तय करो कि या तो थे से मारो और थे ही अगर आदि से कोई क्षेत्र में चलाओ मन कहता कोई शर्म को नहीं आवे। अगर खाली दो साल बाद ठीक आप गारंटी सुधा कहो कि मैं राज में आवा तो थे मार करा उसकी आज ही ले लो मत करना। लेकिन आप सोच तो रखो कि संगठन में रहा ही पार्टी में रहा ही पार्टी रहे अब धोएड़े गिदार ऊपर आ अगले छेड़े में बैठा और मैं अगर दो साल बाद किया ना गजार बेचा लगाओ या काम कम करो या ज्यादा करो भी उठारी बड़ाई नहीं हो रही है शहर में बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। क्यों कि पंचायत समिति आज माकन है नहीं, दोनों पंचायत समिति आज देहात कर तो है नहीं, माकन तो कोई चौदह की जगह नहीं नहीं शहर की बात कर रहा हूँ, मैं देहात की बात कर रहा हूँ। मैं देहात को आदमी मारकर पंचायत समिति मैं भी मीटिंग में दार बैठन दूंगा को नहीं, मैं बटे जता भी मेंबर बैठे है सरपंच बैठे है सहयोग कर दूंगा को नहीं, क्योंकि मारकन सामान को आज थारकन सामान है। थे नगर परिषद का मालिक हो थे शहर की दशा और दिशा देने की खरी जुम्मेवारी है थे देश को चाव को। और किन लोगों की वजह से चलेगी उसके चैप्टर में अपन नहीं जाते हैं, लेकिन सुधारगढ़ के कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद है जिनके आज प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उनकी बदौलत यहाँ पे नगर परिषद 60 वार्डों में से 40 वार्डों पे काबिज है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। उस काम को अपन को गिनाने की जरूरत है न कि ये कहने की जरूरत। और जो बिना मतलब का इंटरफेरेंस हो रहा है दूसरे लोगों का नगर परिषद में वो बंद होते ही एकदम वाह वाह हो जाएगी सुधारगढ़ में। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत